दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हिंदी इंटरनेशनल ड्रामा में। आज शुरू करते हैं सीक्रेट 7 का एपिसोड 2। लेफ्ट ऑयल कूड़ेदान में से कार्ड को उठाकर पेंडुलम से पूछता है कि तुमने कार्ड क्यों फेंक दिया। पेंडुलम लिफ्ट ऑयल से कार्ड छीनने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से नियो कार्ड को देख लेता है। लेफ्ट ऑयल सबको कार्ड दिखाकर पूछता है कि यह लॉकर पर किसने रखा है। एड पेंडुलम का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि कोई पेंडुलम को भी पसंद करता है। पेंडुलम इसे सुनकर गुस्सा हो जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। पेंडुलम को रोता हुआ देखकर स्पॉयल पेंडुलम के पास आती है और उसे बताती है कि ये कार्ड मैंने रखा था क्योंकि मैं चाहती थी कि इन लड़कों में से कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले। पेंडुलम स्पॉयल पर गुस्सा हो जाती है। स्पॉयल पेंडुलम को कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसकी तरह पेंडुलम भी अकेली रह जाए और वहाँ से चली जाती है। पेंडुलम के पास एलन आकर बैठता है और अपना रुमाल देकर उसे उसका मन हल्का करने के लिए कहता है। रात में पेंडुलम अपने स्कूल के दिनों को याद करती है कि जब वह किसी लड़के को पसंद करने लगती थी तो वे लड़के उसे रिजेक्ट कर देते थे, इसलिए तब से वह किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने देती। एक हफ्ते बाद पेंडुलम क्लब रूम में जाकर देखती है कि उसके लॉकर में आसमैली बियर ने एक टेडी बियर रखा है। पेंडुलम को लगता है कि यह टेडी बियर अल्फियर से स्पॉयल ने रखा है। टेडी बियर को लेकर वह स्पॉयल के पास जाती है और उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन स्पॉयल पेंडुलम को बताती है कि यह टेडी बियर उसने नहीं रखा और पेंडुलम को कहती है कि मुझे लगता है कि कोई सच में तुम्हें पसंद करता है। पेंडुलम स्पॉयल की बातों से परेशान होकर लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। तभी स्पॉयल पीछे से चिल्लाती है कि लिफ्ट के खुलने पर तुम जिस लड़के को सबसे पहले देखोगी वही लड़का तुम्हें पसंद करता है। पेंडुलम पूरे रास्ते लिफ्ट में यही सोच रही होती है कि वह लड़का कौन होगा, और लिफ्ट के खुलने पर वह सातों लड़कों को एक साथ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। पेंडुलम सातों लड़कों को अपने इतने करीब देखकर लिफ्ट से बाहर चली जाती है। पेंडुलम लॉकर में अपना सामान रख रही थी, तभी टेडी बियर में से एक गाना बजने लगता है। पेंडुलम उस टेडी बियर के गाने को बंद नहीं कर पाती और उसे लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ स्पॉयल पेंडुलम को आइडिया देती है कि हम टेडी बियर वाला गाना अपने रूम में चलाएंगे और देखेंगे कि स्माइली बियर खुद ही सामने आ जाएगा। वे रूम में जाकर गाना चलाने लगती हैं और काफी देर गाना सुनने के बाद कोई भी सामने नहीं आता और एड तेज आवाज होने के कारण उन पर चिल्लाने लगता है और यह तरीका उनका फेल हो जाता है, जिसे देखकर स्पॉयल पेंडुलम को सिक्योरिटी रूम में लेकर जाती है और क्लब रूम के सीसीटीवी कैमरे की वीडियो देखती है, लेकिन कैमरे पर छिपकली होने के कारण वे सिर्फ उस लड़के का सफेद शर्ट पहने कंधा ही देख पाती हैं। पेंडुलम स्पॉयल को कहती है कि ये लेफ्ट ऑयल नहीं हो सकता क्योंकि वह मेरा रिश्तेदार है और पॉक की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और प्ले तो हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता रहता है, और बात रही एड की, वह तो हमेशा मेरे साथ लड़ता ही रहता है। टेडी बियर के गाने सुनने के लिए न्यू बहुत छोटा है और एलन इस तरह का लड़का नहीं है कि वह कार्ड और टेडी बियर किसी लड़की को दे। पेंडुलम की बातों को सुनकर स्पॉयल कहती है तो ये जरूर जेंट ही होगा। अगले दिन स्पॉयल डार्ट गेम खेल रही होती है, तभी वह डार्ट बोर्ड पर सातों लड़कों के फोटो लगा देती है और डार्ट से निशाना लगाती है कि वह कौन सा लड़का है जो पेंडुलम को पसंद करता है, और डार्ट पॉक पर जाकर लगती है। तब वे डिसाइड करती है कि वह पॉक पर नजर रखेंगी। पेंडुलम को पॉक यूनिवर्सिटी में मिलता है और पॉक पेंडुलम को पिंग पोंग खेलने के लिए अपने साथ ले जाता है। गेम खेलते हुए पॉक पेंडुलम को बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और वह अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा टेडी बियर गिफ्ट करता था, जिसे सुनकर पेंडुलम को पॉक पर शक होता है। यूनिवर्सिटी से घर की ओर जाते हुए पॉक पेंडुलम को उसके पुराने गाने सुनाने के लिए कहता है, तभी पेंडुलम वही गाना चला देती है जो टेडी बियर में बज रहा था, जिसे सुनकर पॉक कहता है कि यह गाना उसने बहुत बार बचपन में सुना है। तभी एक कुत्ता पेंडुलम पर भौंकने लगता है। पॉक पेंडुलम की मदद करता है और कुत्ते को भगा देता है। रात में पॉक अपने घर पहुंचकर पेंडुलम के बारे में सोच रहा था और पेंडुलम को मैसेज करने के लिए अपना फोन निकालता है, पर वह तभी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर मैसेज नहीं करता। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में पेंडुलम स्पॉयल को पॉक के ब्रेकअप के बारे में बताती है, जिसे सुनकर स्पॉयल बहुत खुश हो जाती है और पेंडुलम को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद करने वाला लड़का पॉक ही है, पर पेंडुलम नहीं मानती। स्पॉयल पेंडुलम को डार्ट बोर्ड पर डार्ट से निशाना लगाने के लिए कहती है और डार्ट न्यू के फोटो पर जा लगती है और स्पॉयल पेंडुलम को कहती है कि हम लोग अब न्यू पर नजर रखेंगे। दोनों लड़की न्यू के बारे में जानने के लिए उसकी ऑनलाइन वीडियो देख रही थी, जिसमें वे देखती हैं कि न्यू को भी पुराने गाने पसंद है। स्पॉयल को वीडियो देखकर लगता है कि पेंडुलम को पसंद करने वाला दूसरा लड़का न्यू हो सकता है। तभी न्यू क्लब रूम में आता है और पुराने गाने तेज आवाज में बजाने लगता है।
जो एड को पसंद नहीं आता और वह न्यू के पास आकर गाने बंद कर देता है, जिसे देखकर पेंडुलम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह एड से लड़ने लगती है। वह एड को धक्का मारकर उसके हिस्से में जाने के लिए कहती है और तभी एड की सॉफ्ट ड्रिंक पेंडुलम के जूतों पर गिर जाती है। एड पेंडुलम को कहता है कि वह उसके लिए नए जूते ले आएगा, पर पेंडुलम एड को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं एपिसोड 3 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।